दोस्तों, तीन गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा दुनिया में मिलती है और आखिरत में भी इसका सख्त तरीन हिसाब होता है। इन तीनों गुनाहों में से पहला गुनाह है माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाना। जो इंसान अपने माँ बाप को तकलीफ़ देता है तो उसकी औलाद भी उसे तकलीफ़ देगी। वो दुनिया और आखिरत में रसवा होगा, क्योंकि दुनिया में कफाते अमल है। दोस्तों, दूसरा गुनाह लोगों पर ज़ुल्म करना है, लोगों के साथ ज़्यादती करना है। जो इंसान अल्लाह की मखलूक पर ज़ुल्म करता है, अल्लाह उससे माफ़ नहीं करता जब तक कि मखलूक माफ़ ना कर दे। लोगों के दिलों से उसकी इज्जत भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, तीसरा गुनाह ये है कि दूसरों की नेकी और अच्छाई की कदर ना करना। जो इंसान ये गुनाह करता है तो आने वाले वक्त में उस इंसान की नेकी और अच्छाई की भी कोई कदर नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारें, अपने आप में सुधार पैदा करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर हम अल्लाह के मखलूक के साथ अच्छा करेंगे तो अल्लाह भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, हमारी ज़िंदगी में सुकून अता फरमाएगा। इसलिए सबके साथ अच्छा रवैया रखें और गुनाहों से जितना हो सके बचें, इसी में हमारी भलाई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।